छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हॉस्टल की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के अभियुक्त सीआरपीएफ के एक जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा जवान अभी भी फरार है। गिरफ्तार जवान को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रक्षाबंधन पर लड़कियों से राखी बंधवाने पहुंचे सीआरपीएफ के जवानों पर हॉस्टल की कई लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने सीआरपीएफ के दो जवानों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एक अभियुक्त शमीम अहमद पुलिस की पकड़ में आ गया है, जबकि दूसरा अभियुक्त नीरज कंडवाल छुट्टी मनाने उत्तराखंड गया हुआ है। पकड़े गए जवान को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने दूसरे आरोपी नीरज कंडवाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। वो 3 अगस्त को छुट्टी लेकर उत्तराखंड गया था। पुलिस का कहना है कि उसे पकड़ने के लिए एक टीम उत्तराखंड भेज दी गई है। इसके अलावा उसे पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस उत्तराखंड पुलिस के साथ भी संपर्क में है। तो ऑल द गर्ल्स, मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स हैव आइडेंटिफाइड टू पीपल, तो दो में एक को हमने अरेस्ट कर लिया है एंड द सेकंड वन हैड प्रोसीडेड ऑन लीव ऑन 3rd। ही हेल्स फ्रॉम उत्तराखंड, तो वहां पे हमने टीम भेज दी है अपनी। इससे पहले पुलिस ने 8 अगस्त की शाम सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल कर 254 सीआरपीएफ जवानों की तस्वीरों को निकालकर पीड़ित लड़कियों को दिखाया था, जिनमें से ज्यादातर लड़कियों ने दो जवानों की पहचान की। पुलिस के मुताबिक सीआरपीएफ के दोनों जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले में सीआरपीएफ भी अपनी तरफ से जांच कर रही है। नमिता सिंह, गो न्यूज़।